यानी मैं भी एक आजादी का सिपाही हूं और पूरे भारत में योगदान दे रहा हूं कि वी आर गिविंग आजादी टू तो एवरी इंडिया आई एम फीलिंग ब्लेस्ड आई हैव डन एवरीथिंग इन माय लाइफ आई एम लिविंग अ ग्रेट लाइफ हेलो फ्रेंड्स सो दोस्तों आपका स्वागत आज के मीटिंग में वेलकम ऑल ऑफ यू सो जितने भी मोदी करे मेंबर्स हैं दोस्तों आपके बैंक में आज पैसा तो आया है आज आप खुश तो बहुत हो गए बैंक में आपके पैसा जितना भी आया तो है सो... दिवाली है सर आज दिवाली है दिवाली हर महीने आती है हमारे जीवन में हर महीने <laughs> आती है देखिए अनिल जी जितना भी हो किसी को पांच सौ आए चाहे पांच लाख आए चाहे पचास लाख आए है, है न बराबर तो उसको वैसे खुशी तो है यार कि मोदी करते हमें हर महीने पैसे आते हैं और साले टाइम से आते हैं और हर महीने बढ़ रहा है नौ तारीख का दस तारीख नहीं होता हाँ तो दोस्तों मैं आपका वेलकम करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में थर्सडे इवनिंग में और देखिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार हम लोगों ने मोदी के बिजनेस ज्वाइन किया मैंने किया मैं मोदीकर में मो, बिजनेस मोदीगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्वाइन नहीं किया मैं मोदीकर व्यापार करने के लिए किया कि इस व्यापार करके मैं पैसे कमाऊं जितने भी कमाऊं पैसे कमाऊं ठीक है और मुझे ये क्लियर था कि अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे उसके लिए थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी करेक्ट अभी प्रश्न उठता है कि आप मोदी केयर में क्यों ज्वाइन किए नंबर वन ज्वाइन कर भी लिए तो क्या कर रहे हो अब कर क्या रहे हो ठीक है so, सो क्या पैसे कमा रहे हो है ना तो दोस्तों यू आर इनटू अ हार्डकोर कोर बिजनेस एंड बिजनेस में प्रॉफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और जो कुछ भी होना हो प्रॉफिट जरूर होना चाहिए अभी देखिए आपकी जुबान पे सबकी जुबान पे एक नाम है <laughs> जय श्री राम यानी कि श्रीलंका सबकी जुबान पे नाम है श्रीलंका मैं देख रहा हूँ काम करना चाहते हैं। सडनली भाग रहे हैं अरे भाई तुमने क्या मोदी केयर श्रीलंका जाने के लिए ज्वाइन किया था नो लेकिन अगर मोदी केयर बिजनेस के साथ अच्छी तरह काम करोगे तो श्रीलंका भी आएगा दुबई भी आएगा स्पेन भी आएगा और बहुत कुछ आएगा ठीक है तो तो ये बोलूंगा जरूर कि श्रीलंका का जो श्रीलंका का जो चार में मुझे भी चार में कि मैं श्रीलंका मोदी केयर के लीडर्स कॉन्फ्रेंस में जाऊँ मुझे भी चार में तो ये श्रीलंका को बहाना बना के आइए मोदी केयर को आगे बढ़ाते हैं श्रीलंका को पकड़ के श्रीलंका के बहाने से आइए आपके मोदी केयर बिजनेस को तेज गति से बढ़ाते हैं और समझते हैं कि भाई ये क्योंकि क्योंकि आइए मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूं क्योंकि आदमी चाहता तो है लेकिन करता नहीं है चाहता है करने सकता नहीं है जो भी बोल लीजिए आप चाहता है तो कितना चाहता है और कितना नहीं चाहता ये कहानी है आइए आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ आप अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हो ना आप एक बार अपना रिपोर्ट कार्ड देखो आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी लाइफ का अभी तक की जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड कि तुमने जो भी किया बेटा आज तक जो भी काम किया मोदी के अगर दूसरा कोई नौकरी किया या कोई और काम किया जो भी किया उसका रिजल्ट आज के दिन क्या है कितना पैसा कमा रो बेटा मैंने लो अगर आप एक लाख को क्रॉस करके आगे निकल गए तो आप पास हो गए चलिए पास तो हो गए नॉट डिस्टिंक्शन बट यू आर पास लेकिन अगर आप पचास हजार के नीचे हो तो भाई तो भाई मुश्किल है पच्चीस के नीचे हो फेल फेल हो गए आप अभी अभी तक फेल हो कल पास हो सकते हो तो भाई तुम ये एक बार पहले दो चार चीज देख लो तेरा करंट इनकम क्या है तुम्हारी लाइफ की अचीवमेंट्स क्या है कुछ बड़ा काम किया है जिंदगी अभी तक की धक्का खिया खाया खाली बोलते ना घास छोला कि कुछ काम किया अभी कुछ ऐसा काम किया कि जब आपको फख्र हो हा? जिसने किया वो लिख सकता है ठीक है फिर देखो भाई तेरा स्टैंडर्ड लिविंग क्या है बस में जाते हो गाड़ी में जाते हो घर कैसा है रहना पे, रहना खाना पीना कैसा है पहनावा कैसा है बढ़िया कपड़े पहनते हो ना बढ़िया जूते पहनते हो बढ़िया होटल में खाना खाने के लिए जाने जाना चाहते हो चाहते जाते हो वॉट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरी बात एक एक होती है ना आदमी की जिम आदमी मतलब मनुष्य की जिम्मेवारी तो भाई तू अपने लिए क्या कर रहा है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए एक सेकेंड ये क्या दब गया गुरु hmm. ओके okay. सॉरी भाई ये क्या दब गया हाँ सो वॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर खुद के लिए फैमिली के लिए दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो कुछ करने की ताकत है कुछ करने की इच्छा है ये ऐसे ही और आखिर सवाल तो बड़ा खतरनाक है वो इसके बारे में सोचता भी नहीं है सोचा ही नहीं होगा पता भी नहीं है जानता भी नहीं है भाई तू जिंदा तू जिंदगी में जन्म लिया और तू मरने भी वाला एक दिन यानी कि हर हम कोई हर कोई उसके बीच में भाई कुछ तो रीजन हो चे जिंदगी का पर्पज ऑफ लाइफ कुछ है कुछ सोचे हो कुछ गहराई से विचार किए हो, यार जिंदगी में ये तो करेंगे ठीक है ना कि मेरा बोलते ना ऐसा कुछ करो कि चला मरने के बाद भी वो काम है जिंदगी में रहते रहते भी काम आए हाँ आजकल तो डायलॉग चला हुआ जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो कुछ ऐसा करो चला जिंदगी के बाद भी काम में आए तो देखो ये रिपोर्ट कार्ड है रिपोर्ट कार्ड का आ, क्या बोलते हैं वो टीचर जो मार्क्स देता है वो आप ही हो अपना मार्क्स दे दो भाई विचार तो कर लो अरे चिंता विचार तो कर लो भाई <laughs> आइए अभी हम दूसरा देखो बहुत आदमी लोग का रिपोर्ट कार्ड खराब है गुरु बहुत आदमी का रिपोर्ट कार्ड टीम में बहुत अच्छा नहीं है हाँ उनका स्टैंडर्ड लिविंग अभी उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि पास कम से कम एक ऑर्डनरी गाड़ी भी नहीं है हाँ उनके उनके पास एक वैसा घर नहीं है जो उनका फैमिली के लिए होना चाहिए उनके पास कोई जीवन के अच्छे खासे लक्ष्य नहीं है कोई बड़ा बड़ा गोल अचीवमेंट किया नहीं जिंदगी में अभी देखो मैं ये सोच रहा था कि यार लोग सारा आता है मोदी के ज्वाइन करता है मेरे साथ टीम में भी है मीटिंग में भी बहुत बार आता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है लेकिन मैं सोचता यार क्यों नहीं कर रहा वो तो बहुत दिन से काम कर रहा है क्यों नहीं कर रहा तो यार मैं देखता हूँ वो लोग सीरियस नहीं है सुनता है हाँ, हाँ, हाँ करता है लेकिन करता नहीं है हाँ मीटिंग में करता आता नहीं है आज भी देखो आज एक लोग क्यों 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 आए बाकी और चार सौ सौ क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए क्या उनको पैसा नहीं कमाना क्या वो नहीं जाते श्रीलंका जाना क्या वो नहीं बनना चाहते डायमंड क्या वो नहीं एक लाख दो लाख पांच लाख कमाना चाहते हैं चाहते हैं बट दे आर नॉट सीरियस नॉट कमिटेड आपकी टीम में भी है मेरी टीम में भी है हम सबके साथ है सबसे ज्यादा कैटेगरी लोग इसी वाले यही वाले हैं अगर आपका टीम में सौ आदमी हैं तो आप मान लो अस्सी अस्सी परसेंट लोग ये वाला है स नॉट कमिटेड वो तो दस परसेंट लोग हाईली सीरियस हाईली कमिटेड है बोल के आपका बेड़ा पार हो जाता है मेरा भी ठीक है तो मैं सोच रहा था यार लोग पैसा तो कमाना चाहता है बोलता है मोदी का प्रोडक्ट बढ़िया है मोदी मोदीगढ़ कंपनी बढ़िया है फिर क्यों नहीं सीरियस है और कमिटेड क्यों नहीं होता पूरा मेहनत क्यों नहीं कर रहे वो लोग ठीक है ना आप लोग क्या बोलते हो भाई लोग जैसे मैं सोचता आप भी सोचते होंगे हाँ आप क्या सोचते हो कि लोग लोग आपका टीम में जो पैसा कमाना चाहता है मोदी दे लेकिन सीरियस भी नहीं है और कमिटेड भी नहीं है उतना जोर नहीं लगा रहा है तो उसका क्या आपके हिसाब से क्या कारण है आप बताइए मुझे चैट में बताइए मुझे जरा आपका पहले दिमाग जानना है क्यों नहीं कर रहा बताओ फटाफट फटाफट बहुत कुछ बोलना है हम लोग बात करना है अजिया ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बताओ बताओ कि लोग आपका टीम में या आप खुद अपने टीम में क्यों नहीं सीरियसली काम कर रहे हो क्यों नहीं दिन रात मेहनत कर रहे हो क्यों क्या कारण हो, हो सकता है बताइए बहुत सा लिखो भाई मेरे को मेरे को चैट दिख नहीं आप लोग का भाई पूनम जी आप मेरा कॉपी तो नहीं मार <laughs> अच्छा टाइम नहीं है आपने का बिलीफ नहीं है आपने का टाइम नहीं है नहीं सीरियस तो नहीं है मैं भाई तो पूछ रहा हूँ तपन बाबू सीरियस क्यों नहीं है लेजी है lazy है लेजी 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 गलत नहीं बोल रहे आप लोग बिलीव नहीं है ठीक ही बोले आप माइंड सेट नहीं है लोग का बेटा लोग का अच्छा अः आप लोग कुछ लोग तो कुछ बोला एक सौ बीस में पांच तो बोला पांच छह लोग ही बोलता है बाकी नाइन्टी में लोग कुछ बोलता भी नहीं है उन का हालत भी यही है ना चक्कर तो यही है पता नहीं क्यों बहुत लोग मीटिंग में भी क्यों आते हैं? मुझे नहीं, ना? नहीं आते, मीटिंग में आते हैं मोदीगढ़ में ज्वाइन किया वो बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है कोई आपने लाखों रुपए नहीं लगाए नहीं वरना सोचना पड़ता आपको एक्चुअली आपने एक बात सही बोला लोग जो बोलते ना टाइम नहीं है मीटिंग में नहीं आ सकते वगैरह वगैरह उनका सबसे बड़ा बीमारी है उनको ये हंड्रेड परसेंट बिलीविक उससे नहीं होगा ये बिजनेस उसका ये बिलीफ है यह बिलीव, नहीं है।, पुला बिलीव। ना, नहीं है सर लोग नहीं मिलेगा सर नहीं मिलता है मैं सामान तो खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ मैं लोग को नहीं बना सकती कोई लोग मिलता नहीं है मैं कर नहीं सकती वगैरह 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 उसके अंदर जीरो कॉन्फिडेंस है जीरो विश्वास है जीरो कमिटमेंट है जीरो सीखने की इच्छा है फाइटर नहीं है मतलब देखो वही समझ में आता है कि लोग सारा लाइफ में काम क्यों नहीं कर पाता बोलते हैं ना फेलियर एंड सक्सेसफुल पीपल एकदम क्लियर दिखता है कि ये लोग क्यों सक्सेसफुल है और ये लोग क्यों फेलियर है एकदम क्लियर दिखता है मैं बताऊं जो भी काम शुरू करता है ना कोई भी काम शुरू करे मोदी कर करे या दूसरा उसको नहीं पता वो काम होगा कैसे उसको पता है यार ये काम चालू किया थोड़ा आइडिया ले लिया अभी इस काम को मेरे को सेट करना है ये काम को सीखना है काम को ट्राई करेंगे कर, काम करते करते सीखेंगे मेरा भी हालत था दोस्तों अगर आप अपने अंदर भरोसा नहीं जगाओगे आप बोलो भरोसा जगे है कैसे भरोसा जगता है जब अपने माइंड को सेट करते हो कि जीना यहाँ मरना यहाँ इसी से भाई अगर भाई या तो मोदी केयर को करो या मत करो बीच में मत लटके रहो तो बोलते सामान ले रहा है सामान ले रहा है उससे कुछ नहीं होता वो तो सामान दुकान से भी ले रहा है इसके वो दुकान दुकान का बिजनेस कर रहा है क्या वो तो वहां भी तो कस्टमर है तो सामान ले रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं है वो ज्यादा लेगा भी सामान ठीक है ना सो so दोस्तों मोदी केयर ज्वाइन किया है तो ये समझ लो कि मोदी केयर बिजनेस करके आप पता नहीं क्या क्या अचीव कर सकते हो अपने जिंदगी का हाईएस्ट इनकम कर सकते हो आ, अपने घर वालों का पूरा सोच बदल सकते हो अपने सिर्फ अपना ही नहीं तो आपको बिलीफ लाने के लिए थोड़ा वर्क करना पड़ेगा आपको बिलीफ लाने के लिए मोदी केयर के सक्सेसफुल लोग को देखना पड़ेगा उनके अचीवर्स को अचीवमेंट को देखना पड़ेगा जो भी सक्सेसफुल इवेंट होते हैं वहां जाना पड़ेगा जब आप दस बार जाओगे वो दिखेगा यार ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है इसका गाड़ी आ गया इसका फॉरन ट्रिप आ गया इसका श्रीलंका हो गया इसका ये स्पेन जा देखते देखते विश्वास आता है पहले विश्वास आता है कंपनी पे फिर विश्वास मन में लाना पता हूं क्या आपके अंदर विश्वास कैसे आएगा जब आप ये डिसाइड करोगे मैं ये काम करूंगा करूंगी सीखूंगा सीखूंगी जितना भी टाइम लगे आई मस्ट लर्न एंड मस्ट डू दिस वर्क मैं इसमें पीछे नहीं हूं नंबर वन नंबर है दोस्तों सी सक्सेसफुल पीपल इन दिस इंडस्ट्री अरे महानस भाई आपको अभी तक सफलता नजर नहीं आ रही अच्छा आपको क्या लगता है मैं सफल नहीं हो क्या संजय बघरिया नजर नहीं आ रहा इंडस्ट्री में सफलता का पता नहीं मायने क्या आपका मुझे तो मोदी कर में सफलता ही सफलता दिखती है सफलता ही सफलता सफल लोग ही दिख रहे हैं दूसरा दोस्तों अगर आपके पास कोई ठोस पर्पस नहीं है यू नो पर्पस क्या होता है आपका पर्पस है कि मेरे को मेरा लाइफ बर्बाद नहीं करना है मेरे को मेरा लाइफ को का वैल्यू करना है मेरी इज्जत हो मैं अपने घर वालों के काम आऊं और मैं जानवर से भरकर इंसान हूं तो मैं दस लो के और काम आऊं ये पर्पस होता है जब आप अपने घर का जिम्मेवारी लेते हो अपने बच्चों का लेते हो जिम्मेवारी अपने खुद का जिम्मेवारी लेते हो और प्रतिज्ञा करते हो कि हम लाइफ में मेहनत करके अपने आप को इंसान बनाएंगे और इंसान तब बनाएंगे जब आप और दस लोग के काम आएंगे खाली अपना नहीं ठीक है तो अपना पर्पज बनाओ अभी पर्पस भी बना लिया भाई अभी मोदी बहुत से लोग को आइडिया नहीं है धंधा है क्या बिजनेस है क्या पीवी है क्या बीवी है क्या मीटिंग्स में आइए मीटिंग्स में आइए ट्रेनिंग्स में आइए अपलाइन का सपोर्ट लीजिए अपना मतलब आप खुद जानने का कोशिश तो करिए लोग सोचते हैं कोई आएगा आपके मुंह में डाल देगा ये पीवी ये होता है बीवी ये होता है नो no! सो so, अभी आता है स्किल आपको नॉलेज भी आ गया उसके बाद आपको काम करने की कला को सीखना पड़ेगा अब ये के क्लासरूम में नहीं कर सकते आप अब समझे मैं वो कितना बता दूं ज्वाइन करो लोगों जाओ फोन करो बात करो ये करो जितना भी आपको क्लासरूम में सिखा दूं सिखाऊंगा भी लेकिन जब तक आप उसको जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे हाँ जब तक फोन कॉल अपने हाथ से नहीं करोगे जाकर लोग से मिलोगे नहीं भिड़ोगे नहीं उसको फेस नहीं करोगे उसको प्रेजेंटेशन नहीं करोगे उसको दिखाओगे नहीं एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार पाँच सौ बार हजार बार हजार बार के बाद देखो आप मास्टर बन जाओगे लेकिन आदमी हजार छोड़ो दस बार के बाद ही दस बार के लिए तैयार नहीं है देखो ऐसे ही सफल लोग नहीं पैदा होते ऐसे ही गड़पति नहीं बनते जूता घिसा उन्होंने सालों साल आप भी घिसो आप नहीं घिसोगे सालों साल तो लाइफ टाइम के लिए गरीब बने रह जाओगे लाइफ ना, सर, it, सर? Poor. Poor, and, सर, मेरा एक वादा है अपने बच्चों को भी पुअर बना के छोड़ूंगा सर ऐसे आदमी का जिंदगी कोई काम का मैं तो मरूंगा ही परिवार को भी मारूंगा फ्रेंड्स प्लीज थोड़ा सीरियस बनिए अगर आप सक्सेसफुल नहीं है अगर आप डिसेंट पैसा नहीं कमा रहे हैं अगर आप अचीव नहीं कर रहे हैं हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा आप क्या कौन सा घास छोड़ रहे हैं कर क्या रहे हैं सर आप लोग सुबह जरा तो करते हैं क्या है देखिए एक दिन एक दिन क्या करते हैं आप क्या तो सीखने के लिए काम करिए ऑफिस सीख के काम करिए एक और बात है Lack of willingness to do work hard. लोग आपने बोला किसी lazy people है People are lazy. लोग चाहते हैं सर मेरे बेड में खाना आ जाए कोई मुझे अपने हाथ से खिला दे कोई मेरी अंतड़ी में भी चबा भी दे सला घुस के मेरे पेट के अंदर ठीक है ना सो तो पीपल आर लेजी लेजी पीपल आर सिख पीपल वो बीमार लोग होते हैं जो लेजी होते हैं बीमार होते हैं अगर जिंदा जिंदा होके जीना है तो मान लो आपको मेहनत करनी है आपको वर्क करना है और वर्क में अगर हार्ड वर्क करते हो तो सोने में सोगा ठीक है तो पीपल आर नॉट सीरियस बिकॉज दे आर वो अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं है वो अपनी सफलता के लिए सीरियस नहीं है वो अपनी फैमिली के लिए सीरियस और कमिटेड नहीं है इसलिए उन्होंने नॉलेज के लिए भी काम नहीं किया उन्होंने जाके पूरे सीखने का प्रयास ही नहीं किया बस जिंदगी काट रहे हैं बोलते ना जी रहे उन्हें जी नहीं रहे सर कट रही है सर ये कट रही है एक दिन चले जाएंगे ऐसे ही अभी तो इतने दिन क्यों खा धरती का बोझ क्यों बनता है और दोबारा इसी मेरे साथ ही ज्वाइन करना अगले जन्म में बोला सर इस बार मैं काम करूंगा दोस्तों अपनी जिंदगी बदलिए बदलिए अपनी जिंदगी दूसरा कोई नहीं बदलेगा आप ही बदलोगे तो आप मैं बोलता हूँ आप मोदी कह जब आई गए हो तो आप एक महान इंसान बन सकते हो

ड्रीमर बनिए बड़ा बड़ा सपना देखिए जो ड्रीमर नहीं बनेगा वो सारा ट्राई भी नहीं करेगा हार्ड वर्क करने के लिए अपने सपनों को हार्डवर्क पूरा करने के लिए अपने माइंड को खुद को बोलिए इसको बोलते हैं सेल्फ आप जो अपने माइंड को रोज सुबह जाके ज्ञान दीजिए दो चार मिनट अरे बेटा तू कर क्या रहा है मरेगा हाँ इज्जत भी नहीं कोई करेगा तेरी हाँ अपने माइंड को रोज मर पड़ेगा तू बढ़िया है तू कर सकता है आई एम वेरी गुड आई विल डू मैं बड़ा आदमी बनूंगा मैं लीडर बनूंगा मैं डायमंड बनूंगा मेरी गाड़ी आएगी मेरा सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं लंका जा रहा हूँ घूमने अचीवर की तरह मेरे साथ मेरी टीम के दस लोग भी जा रहे हैं आप सेल्फ टॉक करिए सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक आप जब करेंगे ना तो आपके माइंड में थोड़ा सा विश्वास पैदा होगा कमिटमेंट आएगा भीतर से ठीक है एक और बात है जो मैं देखता हूं आज भी मीटिंग का देखा डोंट अलाउ एनी वन ये मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया टू मतलब yes. तो स्टॉप यू इन गोइंग अड इन लाइफ ये स्टॉप भूल गया था ऐसा पूरा मतलब यू नहींड इन योर लाइफ समझे बात अब मतलब आया किसी को अलाउ मत करो कि वो आपको रोके जिन दुनिया में आगे बढ़ने से अब वो जो भी हो वो जो भी हो अगर कोई आपको रोक रहा है मत काम करो नहीं दरकार है ऐसा वैसा ऐसा गलत हो रहा है वो आपके साथ गलत हो रहा है जो ये बोल रहे आपको और आप उसकी सुन रहे हो तो आप भी गलती कर रहे हो आप गलत काम मत करो लेकिन कोई आपको काम करने से रोके वो तो गलत है सरासर गलत है हाँ अगर आपने अपनी ड्यूटीज नहीं करी परिवार की ड्यूटीज नहीं करी तो आप गलत हो जाते हो करेक्ट तो डोंट डनीट टू स्टॉप यू डू गो हेड यूड लाइफ एंड आपको आज से पता है आप खाली श्रीलंका लिए काम मत करो आप आज से एक इंडिपेंडेंट लीडर बनने के लिए काम करो इंडिपेंडेंट लीडर बनने के लिए काम करो अरे बहुत सारा श्रीलंका आएगा गुरु अभी तो क्रूज गया और दुबई गया दुबई जाने वाला है स्पेन भी जाने वाला है तीन जाने वाला है तेरे सामने जाने वाला है ना अच्छा जाते जाते श्रीलंका फेंक दिया मोदी गेट ने श्रीलंका होते होते और दो टो फेंक देगा <laughs> श्रीलंका खत्म होते होते और दोनों डाल देगा चल तो अभी श्रीलंका का तो कहानी हो गया ना चल तो अभी यहाँ चल तो आपके पास ये लाइन लगी रहेगी फॉरन ट्रिप चिंता मत करो मोदी के मतलब है तो अगर आप इंडिपेंडेंट लीडर बनने के लिए काम करते हो तो आने वाले सारे ट्रिप में आप अपनी टीम के साथ जा पाओगे बात समझ में आई आइए जरा तूफान में दो मिनट बात कर ले इसमें धन वर्षा है श्रीलंका है दो करोड़ पुल है एक्स्ट्रा बी है ठीक है अभी देखो मैं सीधा आता हूँ श्रीलंका पे ये चार्ट आपके पास है नहीं है तो फोटो खींच लो अपने अप्लाइंस से मांग लो वो व्हाट्सएप में डाल देगा ये बता रहा है भाई तू जो क्या था मार्च में ठीक है ना बाय में तो छोटा है इसको बड़ा भी कर सकते आप है ना यहाँ बड़ा हो जाएगा अभी जूम करता हूँ मैं ज्यादा ही बड़ा हो गया अरे भाई ये तो ज़्यादा ही भी हो गया भाई ये तो। नाना भाई बड़ा मत करो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा आइए अब ये देखिए ठीक है तो, तो मुझे नहीं दिख रहा ओह ओह गायब हो जा रहा है तो क्या चक्कर है भाई तू हाँ तो यहाँ पे देखिए ये चार्ट में लिखा हुआ है आपका क्या टैंड New journey to 15%, अगर थे तो आपको कितना point चाहिए और आप क्या करोगे कितना बनोगे करोगे क्या है option number one है option number two, option number three. अगर आप एनक्यू थे आपको चौदह पॉइंट चाहिए ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू ऊपर में लिखा है देखो ये बेस्ट ऑप्शन अगर आप डायरेक्टर थे आपको तेरह पॉइंट चाहिए ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है और भी option है, ये ऑप्शन है ठीक है इस तरह हर के लिए डायरेक्टर के लिए सीनियर डायरेक्टर के लिए ईडी एसईडी प्लेटिनम डायरेक्टर सबके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है श्रीलंका क्वालिफाई करने के लिए इसमें लिखा है ये चार्ट को अपने जेब में रख लो प्रिंट आउट करके या अपने मोबाइल में रख लो इसको फॉलो करो और श्रीलंका के लिए आगे बढ़ो अभी आइए एक मिनट तो बहुत बड़ा हो गया भाई या ओके अभी मैं बोलूंगा वाई वर्षा और श्रीलंका एक कहानी मैं आपको बताऊ मंग चलो कोई श्रीलंका नहीं है कोई धन वर्षा नहीं है तो भी आपको अपना नेटवर्क बनाना है तो भी क्योंकि आप, आप, आप मोदी के अनुभव सिर्फ धनवर्षा के लिए नहीं आए या सिर्फ आप श्रीलंका जाने के लिए मोदी के ज्वाइन नहीं किए आपने मोदी के ज्वाइन किया क्यों इस सला मेरा रिपोर्ट का ठीक करना है जो रिपोर्ट कार्ड गड़बड़ का है ना यहाँ पे जो दस हजार रुपए आ रहे उसको एक लाख करना है लाइफ में अचीवर बनना है तो अपना गाड़ी लेके एक स्टैंडर्ड बढ़ाना है अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है जिंदगी में दस को मदद करके जिंदगी का पर्पज ठीक करना है उसलिए मुझे मोदी करना है और आप जब उस मोदी करते हो अब कंपनी ने ऑफर दिया तो तब तो, तो, तो डबल बहाना मिल गया उसके बिना ही अपने को चार लोगों का टीम बनाना है उसके बिना ही डाउनलाइन को सपोर्ट करना है अगर मिल गया दोस्तों पूरी ताकत लगा दो ऑफर मिलती है उसका मतलब है कि आपका डबल प्रॉफिट होने वाला है डबल प्रॉफिट आपको अगर आप डायरेक्टर के नीचे थे आपके पास दो चॉइस है या धनवर्षा करो या श्रीलंका करो दोनों चॉइस है अगर आप मार्च महीने में अगर आप डायरेक्टर नहीं थे उसके नीचे का कोई भी टाइटल था आपका आपको सलाह दोनों चॉइस है और मैं बता दूं अगर आपने एक चॉइस नहीं किया तो आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो देखो होगा कि नहीं होगा वो बोल जाओ लोग ये नहीं देखता होगा अरे नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन नहीं करोगे ट्राई तो नुकसान ही नुकसान है बोलूंगा दोस्तों एटलीस्ट आपको एक काम तो करना ही है ही धनवर्षा करना है या श्रीलंका करना है और अगर आप डायरेक्टर थे एनक्यूडी या डायरेक्टर थे आप आज सौगन खा लो मैं श्रीलंका के लिए जी जान लगा दूंगा क्योंकि श्रीलंका के बहाने मैं मेरा रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लूंगा मैं मेरा नेटवर्क बना लूंगा मेरे को एक रीजन चाहिए हार्डवर्क करने का जो मुझे नहीं मिल रहा था ठीक है और दोस्तों दोनों ही प्रोग्राम में सफलता पाने के लिए आपको नए नए लोगों को टीम में जोड़ना पड़ेगा या तो नए लोग को जोड़ना पड़ेगा या आपकी टीम में जो जुड़े हुए उनके नीचे लोग को जोड़ना पड़ेगा आपकी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी अगर आप टीम बिल्ड नहीं करेंगे तो धनवर्षा भी नहीं होगी और श्रीलंका भी नहीं होगा करेक्ट तो बात घूम के क्या आ गई टीम में जो लोग बैठे हुए हैं जुड़े हुए हैं अभी काम नहीं कर रहे करना चाहते हैं उनको पकड़ पकड़ के या धन वर्षा या श्रीलंका में घुसाना पड़ेगा आपको अपने टीम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अब बोलो सर मैं क्या करूं इसके लिए पहले तो फैसला करो मैं लूंगा चलो मैं लूंगा अब दोस्तों हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक प्रोग्राम में ये बेसिक प्रोग्राम आपको अगले छह महीने के लिए पांच बटा नौ बटा छ को सुबह से रात तक करना पड़ेगा सुबह से रात तक और कुछ मत करो फाइव करो और फिर नाइन करो और फिर सिक्स करो आपको तो, तो याद है ही है इन फिर भी मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा तिबारा बताऊंगा दस बार बताऊंगा सौ बार बताऊंगा सिर्फ बताऊंगा नहीं इसको सीखना भी पड़ेगा अभी फाइव नाइन सिक्स खाली जानने से नहीं होगा फाइव को तो करना पड़ेगा अब सर मुझे पता है फाइव में क्या लिस्ट बनाओ सिलेक्शन करो प्रेजेंटेशन करो वगैरह करो वगैरह अबे उसे करो कर कैसे करोगे गो एंड डू इट आइए दोस्तों अब हम आते हैं नेटवर्किंग के उस ज्ञान पे अगर आपने इस ज्ञान का मास्टरी कर लिया तो आप इतना कमाओगे कि आपने कभी अपनी जिंदगी में देखा नहीं होगा अगर आपने इसकी मास्टरी कर ली ठीक है आप लखपति नहीं बनोगे आप बन जाओगे करोड़पति दोस्तों फाइव नाइन सिक्स सिस्टम मुझे से बताना नहीं है अभी हमको मिलकर सीखना है ये सीखना पड़ेगा ये करना पड़ेगा आइए फाइव नाइन अच्छा कितने लोगों फाइव नाइन सिक्स सिस्टम पता है जरा कोई मुझे बताए कितने लोगों कितने लोगों को फाइव नाइन सिक्स का सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी है अनिल जी आपको तो होना ही है रोहित चौधरी थे भैया कोई मीटिंग में नहीं आए मेरी हा? और कौन बाकी लोग एक वन सिक्सटी एट लोग समन्वय चौधरी नो आइडिया क्या बात सुबह तो बरो नो और बाकी 160 तो लोग स्वादा दास नो नो अरे यार ये तो मेरे लिए शर्म की बात है लेकिन एक चीज बताओ कि आप लोग पिछले छह महीने से मेरी थर्जी की मीटिंग में नहीं आए अच्छा मीटिंग में नहीं आया तो मेरी गलती कि तेरी गलती ये बता क्यों नहीं आए मीटिंग में अगर मोदी करना चाहते हो तो मीटिंग में क्यों नहीं आते टीम को क्यों नहीं लाते पहला भूल तो वहीं पर है पहला भूल तो वहीं पर है कि आप मीटिंग में आना ही नहीं चाहते अरे सर कौन आएगा लेजी पीपल बिकम सक्सेसफुल चलो और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार ये तो बहुत ही खतरनाक बात है क्या आपको पता ही नहीं है कर, सीखना तो दूर की बात है आइए फाइव नाइन सिक्स सिस्टम टिंग टिंग दोस्तों ये फाइव का मतलब है फाइव स्टेप्स टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग ये फाइव स्टेप्स है पांच कदम ये पांच कदम ये तो अभी आपको कहीं जानकारी मिलेगी अगर ये पांच कदम चलोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है और कम से कम सौ बार चलना पड़ेगा मैं आपको कोई नया चीज नहीं देने वाला मैं आपको इसी चीज के लिए इंस्पायर करना चाहता हूं देखो जो भी अच्छा नेटवर्क का काम करने वाला बंदा है या जो सक्सेसफुल लीडर है उसके पास हमेशा एक लिस्ट होती है जिसमें वो नाम होते हैं जिनको वो फोन करके मिल के आगे काम बढ़ाना चाहता है हम सबको नए लोग चाहिए मेरे को आज सत्ताईस साल बाद भी नए लोग की जरूरत पड़ती है अपनी टीम को डेवलप करने के लिए और नए लोग का नाम मुझे मेरी लिस्ट से निकालना पड़ता है वो लिस्ट मैं ही बनाता हूँ उस लिस्ट को मैं अपडेट करता रहता हूँ जो जुड़ गया उसका नाम काटता रहता हूँ और जो नहीं जोड़ा उसका नाम पे टिक मारता रहता हूं नए नए नाम जोड़ता रहता हूं अगर आपने एक प्रोफेशनल लेवल पे अपने लिस्ट ऑफ पीपल आई नो का लिस्ट बिल्डिंग नहीं किया सीरियसली नहीं किया बढ़िया से नहीं किया तो आप बोलते ना मूल में भूल मूल में भूल हो गई गया, खेल खत्म आपका शुरू होने के पहले खेल खत्म ठीक है मैं बोलू आज भी आप जाग जाओ तो आज से काम हो जाएगा एक बार डायरी में अच्छे से खाते में रजिस्टर में एक बढ़िया से अच्छे पेन से साफ साफ जगह छोड़ते हुए एक लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ लोग के नाम की सूची बनाओ नाम फोन नंबर लिखो हाँ पचास लिखो सौ लिखो दो सौ लिखो पांच सौ लिखो हजार लिखो जितनी तेरी ताकत है लिखो जितना बड़ा कमाना चाहते हो उतना ज्यादा नाम लिखो नाम समझ में नहीं आ रहा आप लाइन को फोन करो और नाम कहाँ से ढूंढू मैं बताऊं कहा सबसे पहले तो नाम अपना मोबाइल से ढूंढ जो तेरा मोबाइल है बेटा उसको देख जर देख जरा अपने लिस्ट को नाम ढूंढवासबेंड से दूसरा घर वालों से बात कर पत्नी अपने हस्बैंड से बात कर हस्बैंड अपनी पत्नी से बात कर दोस्तों से बात कर लोगों से पूछ रेफरेंस ले पांच सौ लोगों का लिस्ट बना यार लिस्ट बना लिस्ट आज भी बना लिस्ट जो कल बनाया था उसमें एक दो नाम ऐड करने के लिए काम कर अगर लिस्ट बिल्डिंग बढ़िया से नहीं करोगे मार खा जाएगी बिकॉज वी नीड टू सी सी मोर मोर पीपल पीपल हमें रोज बहुत सारे लोग चाहिए मिलने के लिए है ना उसके बाद जो जो दूसरा एक हाई ग्रेड का काम है वो है सिलेक्शन का स्मार्ट लोग क्या करते हैं लिस्ट में तो सारा नाम लिखते हैं फिर सिलेक्ट करते हैं यार ये बंदा मुझे सही लग रहा है इसको मैं आराम से मिल सकता हूं देखिए आपके लिस्ट में ऐसे भी लोग होंगे जो घर के बगल में रहते हैं ऐसे भी लोग होंगे जो आपके शहर में रहते नहीं दूर में रहते हैं ऐसे भी लोग होंगे जो शहर से बहुत दूर रहते हैं है ना देखो बॉस लिस्ट में सबसे पहले उसको पकड़ो जिसके पास जिसके घर जाके उसके साथ मिल सकते हो पहला कहानी मिलोगे तो काम बनेगा फोन पे काम नहीं बनेगा तो सिलेक्शन किसका करो जिसके साथ जिसको फोन कर बोल सकते हो मैं तेरे से मिलने आ रहा हूं यार ठीक है तो सिलेक्ट पीपल जिसको आप जाके मिल सकते हो क्योंकि इस बिजनेस का सबसे बड़ा काम है लोगों को फोन करके टाइम लेके उसके पास जाना उसके साथ बैठना उसके साथ बैठ के बात करना और उस बात करने में हमारा हो जाता है प्रेजेंटेशन बात समझ में आई अच्छा यहां तक बात समझ में आई अच्छा अगर आप नए हैं भाई साहब तो बिल्कुल आपका स्वागत है थैंक यू फॉर कमिंग दिस मीटिंग मैं नए लोग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो पुरानों की बात कर रहा होता हूँ ठीक है नए लोग तो आपका स्वागत है कितने लोग सीरियसली अपना बिजनेस और अपनी जिंदगी को बिल्ड मोदी के बिल्ड करने के लिए एक बढ़िया वाला लिस्ट बनाएंगे बढ़िया वाला दोबारा लिस्ट जो बनी है उसको अपग्रेड करेंगे साफ सुथरा करेंगे अपग्रेड करेंगे सीरियसली बनाएंगे और लिस्ट बनाने में जब अटक जाओ तो अपने अपलाइन से मदद मांगो देखो आपके शहर में रोटरी क्लब है लायंस क्लब है और पचास क्लब है बी क्लब है और ये क्लब है रिलीजियस क्लब है पाड़े का क्लब है मोहल्ला है स्पोर्ट्स क्लब है ये जितने भी क्लब बने हैं ना जितने भी क्लब उन सब का एक मकसद है भाई चलो हम मिलते हैं आप एक दूसरे दोस्ती होगी तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे आपकी लिस्ट ऐसी बनती है जितनी जगह जाओगे जितने लोगों में इन्वॉल्व हो मंदिर जाओ वहाँ पे दोस्त दोस्ती कर लो जहां भी जाओ आपके आपके मोहल्ले में कोई क्लब होगा जहां पे लोग खेलने आते हो शाम को वहां जाना शुरू कर दो कोई रोटरी क्लब ज्वाइन कर लो कई सारे बिजनेस क्लब बने हैं ज्वाइन कर लो लेकिन आपको उससे थोड़े पैसे लगते हैं पैसे भी लगा दो लेकिन अपना लिस्ट बना लो अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे लोगों से जान पहचान नहीं बढ़ाओगे तो आपका नेटवर्क भी नहीं बढ़ेगा और आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा यहां तक बात समझ में आई अच्छा अभी जब आपके पास लिस्ट बन गया पता है आपका दूसरा धर्म क्या है मैं धर्म की बात करता हूं नेटवर्क में धर्म होते हैं कुछ आपका धर्म है रोज सुबह दस से ज्यादा लोग को कॉल करना रोज सुबह या आज रात को या मॉर्निंग में सुबह नौ बजे और लोगों से मिलने के लिए समय मुक्र करना जिसको बोलते हैं सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट अगर आप मिनिमम दस कॉल करते हो एक या दो तो आपसे मिलने की संभावना बनाई देगा यार और डेली करते हो तो दो तीन दिन बाद ही बोलो कोई बोलेगा यार दो दिन बाद मिलते हैं तो दो दिन बाद फिर कॉल करो तो अगर आप लिस्ट से नाम निकाल के लोग को फोन नहीं करोगे और लोग से मिलने के लिए जाओगे नहीं तो आपका आप काम ही नहीं कर रहे हो मोदी कर रहे भूल जाओ श्रीलंका भूल जाओ धनवर्षा भूल जाओ सक्सेस भूल जाओ सब कुछ आप जितने भी बड़े लीडर हो यू पीपल ठीक है अच्छा मिलोगे तो उसके साथ बिजनेस की बात करोगे प्रोडक्ट की बात करोगे जैसे भी बात करो आपको जितना करना आता है वैसा बात करोगे शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी देखिए ये बहुत ही स्किलफुल काम है कि हम लोग से कैसे बात करें देखिए लोग से अगर आप जाते हो एक काम करता हूँ चलिए मैं आपको एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का वादा करता हूं कि मैं आपको आ, अगले थर्सडे चलिए हाँ अगर हम लोग से मिलते हैं तो उससे कैसे बात करना चाहिए आधे घंटे में चालीस मिनट में मैं आपको सिखाता हूँ चलिए मैं आपको मैं कैसे बात करता हूँ उसके लिए काम करिए मेरे को चार लोग चाहिए एक ऐसा लोग चाहिए जो नौकरी करता है एक हाउस वाइफ चाहिए एक ज्यादा उम्र का आदमी चाहिए एक कम उम्र का आदमी चाहिए चार पांच लोग चाहिए सब लोग को बोलूंगा रेडी हो जाओ मुझे नाम भेज दो मैं आपको पाँच पाँच से दस मिनट करके दिखाऊंगा लोग से बात कैसे करते हैं लोग बोलते हैं सर हम लोग से मिलते हैं कोई जुड़ता ही नहीं है अभी को जोड़ना नहीं आता है लोग तो जुड़ने को तो तैयार बैठा है आपको लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ यू नीड टू नो हाउ टू इन्फ्लुएंस लोग को प्रभावित करने की कला सीखनी पड़ेगी उसके लिए थोड़ा स्मार्ट अच्छा आज नहीं करता वो मीटिंग चलो अगले अगले थर्सडे का टॉपिक मुझे मिल गया अनिल जी हाउ टू अप्रोच पीपल वेन यू मीट दैम हाउ टू ओपन देम देम हाउ हाउ टू टू प्रेजेंट एंड योर प्लान तो उसके लिए मेरे को लाइव चार पांच लोग चाहिए बिकॉज़ थ्योरी में मजा नहीं आया मैं करके दिखाऊंगा आपको आज भी करके आया मैं आज भी मेरी एक ऑफिस मीटिंग थी फिर मैं गया और मेरा वो बंदा बोला पता नहीं इस मीटिंग में है कि नहीं बोला सर बहुत सीखने मिला सर आपने तो भाई आपको आपको आदमी की नब्ज पकड़नी पड़ेगी हर आदमी की ठीक है तो अगर आप डेली लोग से मिलोगे नहीं और उसको फिर आप

अच्छा मैंने आपको सिखाया हुआ हॉट बटन जो नौकरी करने वाला है भाई उसका क्या गड़बड़ है आपको आपको पता ही है नौकरी करने वाले गड़बड़ क्या है उनका प्रॉब्लम क्या उनकी दुखती रख क्या है आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा साला किस आदमी का दुखती रख क्या है मैंने उसको बोला देख भाई मैं एक हूँ बिजनेस और मैं आज हूँ सफल इंसान एक दिन सफल नहीं था एक दिन मैं ढूंढ रहा था सलाह तलाश कर रहा था क्या काम करूं और तुमको तो पता है तुमको आज मोदी केयर बिजनेस के बारे में मेरा दोस्त बुलाया और मोदी केयर के जरिए यार पीछे बताऊं ये बिजनेस मैंने किया आता नहीं था सीखा आज सफलता मिली और तुम तो मेरी बात सुनो यार कितने सारे लोग कोई पचास कमाता है कोई पच्चीस कमाता है कोई एक लाख कमाता है कोई गाड़ी ले रहा है आम आदमी लेडीज जेंट्स यंग ओल्ड रिटायर्ड लोग भी काम कर रहे हैं अब मैंने कहा बताओ तुम लोग नौकरी कर रहे हो बोला हाँ बोला बुरा मत मानना यार तो अपने नौकरी से खुश तो नहीं है पक्की बात है बोला ये सर मैं खुश नहीं पता है वो खुश नहीं है मैं बात मैं उसको दूसरा दु... बात क्या बोला एक और बात बताऊ तुम लोग को बोला बताइए सर यार इंडिया में सर नौकरी वालों को बहुत कम पैसा मिलता है सैलरी उसका हमेशा कम मिलता है उन लोग सब लोग खून चूस रहे होते हैं बोला हाँ सर एकदम सर खून चूस आप समझे उसकी दुखती रंग मेरे हाथ में आ रही है मैं उसकी दुखती रंग में हाथ डाल रहा हूँ एक चीज बता गुरु तू भी पचास पचपन का हो गया अगर कोई सला प्रॉब्लम आ गया हेल्थ का और तेरा नौकरी में तू नहीं गया तेरे को सैलरी तो बेटा देने वाला नहीं हो तेरा सैलरी हो जाएगा बंद फिर क्या करेगा बता तो सोचा ही नहीं तेरे बैंक में पचास लाख जमा है कि सलाह सैलरी बंद हो तो मेरे हो जाए नो तो यार ठीक है नौकरी करनी पड़ेगी मजबूरी है लेकिन तू अगर नौकरी करता रहा तुम तेरा तो टाइम आ जाएगा नंबर वन आज भी तेरा तेरा लाइफ में कोई ज्यादा तो कुछ है नहीं लाइफ में बहुत टेंशन है बोला बहुत टेंशन है सर ठीक है तेरा बॉस भी सलाह फालतू ही होगा ना सर फालतू ही है सलास लो। लोग बॉस लोग थोड़ा अच्छा होता है कोई <laughs> आप समझो मैंने आपको सिखाया हुआ है दुखती तीर सला नौकरी करने वाले का प्रॉब्लम क्या है तेरे पास ना तो टाइम का फ्रीडम है ना तेरे पास छुट्टी है न तेरे पास अपने सैलरी को डबल करने का रास्ता है न तेरे पास सलाह बैठ गया तो तेरे को कोई बचाने वाला भी नहीं है कोई रिटायर बेनिफिट मिल जाएगा तो हैव यू थॉट तेरा क्या होगा तेरी फैमिली तेरे बच्चे हैं बोला हाँ सर उनका क्या होगा तो सोचा कभी फिर मैं बताऊ तो दूसरा ज्ञान क्या दिया चल आप लोगों में अभी सिखा रहा हूँ सफल आदमी कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं करता उसका दो या तीन इनकम होना चाहिए तेरा एक ही इनकम है बोला हाँ सर तो तू तो मर गया बेटा फंसा एक इनकम पे मत डिपेंड कर दूसरा गुरु इनकम सोच तो मैं तेरे को जो आज बैठा हूं ये ऐसा बिजनेस है जो तेरा दूसरा इनकम खड़ा करेगा तेरी नौकरी के साथ खड़ा करेगा एक बात है पैसे नहीं लगाने अबे टाइम तो लगाना पड़ेगा अबे माथा तो लगाना पड़ेगा बोला सर वो तो है सर तो वो अभी वो खुल गया अभी उसका दिमाग खुल गया उसके अंदर से हिल गया अभी बताया फिर आपने बताया भाई ये डिस्काउंट है ये प्रोडक्ट है ये सामान है उस पर ये लोग है सलाह धंधा नहीं किए तो भी फायदा डिस्काउंट मिल गया तो भी फायदा घर में कमाई आनी शुरू हो गई और फिर काम कर गए काम हम मिलकर करेंगे काम तो थोड़ी अकेला करेगा देख तेरे सामने एक्सपर्ट बैठा संजय बगरिया मैं तेरे को बताऊंगा कैसे टीम क्या तू तो दो चार लोग को जानता नहीं है जानता है यार हम तो हम तेरे को मदद करेंगे हिल गया सर अनिल जी मैं गारंटी बोलता हूँ वो दोनों हिल चुके थे मैं उसको ज्यादा न डेमो दिखाया कुछ हो आधा घंटा बात किया तो बोला सर मेरा ये दिमाग है इस शिष्टा में जरा चला घुसते दीजिए मेरा दिमाग भी हिल गया मेरा दिमाग अभी हिल गया है मेरा बेटा हिल गया जब पिल गया तो अपना ज्वाइनिंग करा अपना प्रोडक्ट खरीद उसके बाद धंधे का बात फिर करेंगे समझा? सो आई वॉज फुल कॉन्फिडेंस मैंने उन लोग का चार्ज अपने हाथ में ले लिया उनकी जिंदगी का मतलब उनके दुखती रख अपने हाथ में ले लिया और वो मेरे हाथ में आ गए समझे तो आपको पहले लोगों को अपने हाथ में करना पड़ेगा आपको सब समझना पड़ेगा क्या बात करें यहाँ पे अगर हीरक भाई बैठे हैं हीरक जी तो उनको वो मैं उनके लिए मीटिंग कर रहा था जी हो क्या वहां पे आप मिस्टर चौधरी नहीं वो नहीं है आज ओके सो फ्रेंड्स यू हैव टू लर्न हाउ टू शेयर द अपॉर्चुनिटी ये ये बहुत ही ये बहुत पर्सनैलिटी ड्रिवन शेयरिंग है ठीक है अभी देखो उसको हमने बात तो किया उसका अगर फॉलो अप नहीं किया उसको अगर क्लोजिंग नहीं किया उसका तीन हजार का ऑर्डर नहीं बनाया तो गेम खत्म इसको चौबीस से अड़तालीस घंटे में फॉलो करके सेल्स करके बेटा को क्लोज करना है, ठीक है तो अगर ये काम आप रोज नहीं करते तो आप काम ही नहीं कर रहे हो आपको ये काम रोज करना पड़ेगा अभी क्या होगा अभी मान के चलिए वो ज्वाइन कर गया ज्वाइन तो कर गया उसके बाद तो खतरा शुरू होता है भाई अगर मैंने उसको राइट हैंडलिंग नहीं किया शुरू से उसको मैंने अभी से बता दिया ज्वाइनिंग के टाइम पे देख भाई शनिवार को हमारी मीटिंग होती है हफ्ते में एक दिन निकलना पड़ेगा ऐसे काम नहीं होगा अगर टाइम नहीं दोगे तो बॉस बहुत फंसोगे नौकरी करते करते बूढ़े बुढ़ा जाओगे खत्म हो जाओगे हाँ अभी तेरा हाथ पांव काम कर रहा है साइड में धंधा डेवलप कर ले मैं तेरा करा दूंगा

आपको उसका माइंड सेटिंग तो शुरू हो जाता है जब उससे पहली बार मिलते हो वहीं से शुरू हो जाता है फिर ज्वाइनिंग करने के बाद तो आपके हाथ में आ गया फिर आपको उससे बैठ के उसका ऑर्डर बनवाना उसको समझना उसको समझाना उसको उसको बोलना फिर उसको बोलेंगे बेटा तेरे दो लोग को इसमें ज्वाइन कराते हैं हम लोग चल तेरी मीटिंग करते हैं मैं तेरे पास आता हूँ तो मेरा हफ्ते में एक दिन मिलते हैं हम लोग और फिर आपको उसको हैंडल करना पड़ेगा आपको उसको पर एक तरीके से उससे थोड़ा सा रिलेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा अगर आपने उसे थोड़ी दोस्ती कर ली और वो आपको थोड़ा आप दोनों को दूसरे से अच्छा लगा तो बात बनती है यार। अब समझे तो बात बनती है तो आपको ये फाइव स्टेप टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग है ना ये पांचों स्टेप की मास्टरी करनी पड़ेगी पांचों स्टेप एक फुल चैप्टर है ट्रेनिंग का करेक्ट अगले हफ्ते डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू शेयर द अपॉर्चुनिटी ठीक है अलग जगह अलग माहौल में अलग तरीके से किया जाता है और मैं चाहूंगा आप लोग मेरे सामने बैठे मेरे सामने आके पास अलग लोग अलग लोग आए अलग अलग क्लास के लोग आए अलग अलग उम्र के लोग आए पांच मिनट के लिए सामने बैठिए और हम आपसे बात करेंगे हाउ टू शेयर द अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपको सामने वाले का हॉट बटन निकालना है और वो दबाना है और दबा के थोड़ा मोदी के अंदर घुसाना है समझे अगर उनका प्रॉब्लम उनके लाइफ में प्रॉब्लम है मनी का उनके लाइफ में प्रॉब्लम है टाइम का उनके लाइफ में आगे प्रॉब्लम आने वाली है उसका सोल्यूशन का नाम है मोदी केयर तो बीमारी पहले देखो दिखाओ उसके बाद मोदी के नाम का सोल्यूशन उसको डालो उसके पहले नहीं डलेगा लोग पहले डालना चाहते हैं वो डलता ही नहीं है कैसे डलेगा ठीक है ना लिफाफा में रुपये डालने पहले लिफाफा खोलना पड़ता है उसके बाद वो अंदर डाला जाता है लिफाफा नहीं खोलोगे तो कहाँ से डलेगा इसलिए लोग को मुश्किल होता है बात समझ में आ रही है आप लोग को अच्छा आप लोग सवाल दो पूछ सकते फैसला कर लो ये नाइन कोर एक्शन पे टाइम दो मिनट बता दू आपको आपको ये नाइन कोर एक्शन के ऊपर एक साथ काम करना है ये पूरा काम करना है नाइन कोर एक्शन आपको एक नहीं अब आप देख लो आपको दो लोग को डेली मिलना जरूरी है अगर श्रीलंका करना है मैं कम करके बोल रहा हूं ज्यादा करके पांच लोग बहुत ज्यादा लोग लेकिन कम करके दो लोग दो लोग से डेली नहीं मिलोगे तो भूल जाओ श्रीलंका भूल जाओ दो लोग से डेली मिलना है डेली मिलने के लिए क्या करना है ये लिस्ट में से नाम निकाल डेली दस टू तो पंद्रह टू तो कॉल करना है करके उससे मिलने के लिए जाना है तो एटलीस्ट वन नहीं टू कर दो ये श्रीलंका के लिए दो कर दो अच्छा एटलीस्ट वन नेमरी वन नहीं इसको कर दो रोज़ लिस्ट में चार पांच नाम बढ़ाने का लिए खोजो 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 मोबाइल लोग से फोन करे पूछो या जानता है क्या, जिसको कर तो मेरा बता यू इंग्लिश स्पीकिंग क्लास ज्वाइन कर लो वो नहीं इंग्लिश नहीं सीख पीकना प्रोस्पेक्ट ढूंढना है सो एड फोर टू फाइव नेम्स डेली इन योर लिस्ट

देखो जब तक आप खुद कुछ नियम कानून को मान के नहीं चलोगे ना तो आपके लोग कभी नहीं मानेंगे तो आपको वीकली मीटिंग में एक आना ही है आपका जो अपलाइन आपसे बात कर लो कौन समय आना है एक ही में मैं दो नहीं बोल रहा डिसाइड कर लो आपको जितना भी प्रोग्राम जूम पे और इवेंट में होता है अगर देखो अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है मोदी केयर नेटवर्क में आप किसी प्रोग्राम को मत छोड़ो अगर ये प्रोग्राम छोड़ोगे तो आप आपका गेम खत्म यू हैव टू लर्न टू सेल द इवेंट अटेंड द इवेंट बी द पार्ट ऑफ द इवेंट अटेंड ऑल प्रोग्राम्स महीने में कितना होगा दो तीन इवेंट होगा एक एक वीकली मीटिंग होगी और एक दो प्रोग्राम और होगा अटेंड करो उसको क्यों नहीं अटेंड करोगे आप मुझे बताओ क्यों नहीं करोगे और मुझे अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता से सफलता नहीं मिलती अच्छे लोग सफल लोग को बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता फिर भी वो करते हैं जिसको जिसको सेहत बनाना है वो सुबह छह बजे उठ के जाता है उसको अच्छा नहीं लगता लेकिन जाता है पता है जाना पड़ेगा ठीक है ये मीटिंग मुझे रोज रोज करना अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे पता है मुझे करना पड़ेगा मेरी टीम के लिए मैं बंद कर दूंगा लोग ऐसे ही बंद हो जाएंगे बात समझे अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आओगे अगर आप मेरी जूम मीटिंग में नहीं आओगे मैं आपका जिम्मेवारी नहीं ले सकता पहले बता दूं मैं इतना कुछ सिखा रहा होता हूँ एक दिन में नहीं एक दिन में ये एक साल का कोर्स होता है वन ईयर जूम मीटिंग फॉर नेक्स्ट वन ईयर अगर आप जूम मीटिंग में, में मेरे अटेंड नहीं करोगे स्पेशली एंड थर्सडे और हमारी जो टी पूरी टीम की भी नहीं होती है बंगाली में फ्राइडे और सैटरडे अगर आप उस टीम का जूम का हिस्सा नहीं बनोगे हम आपका जिम्मेवारी नहीं ले सकते ये मैं ऐलान कर दे रहा हूँ आपको मैं क्योंकि मेरा बोलकर सर मुझे तो आता ही नहीं है तो तू यहाँ से आएगा तू तू क्लास में ही नहीं आता हम तुम्हें हम तुम्हें अलग से क्लास चलाएंगे सॉरी दोस्तों किताब पढ़िए अच्छी अच्छी सुनिए आपको हर हफ्ते में एक आदमी स्पॉन्सर करना है देख लो, मेरे को एक नया बंदा हर हफ्ते में जोड़ना है अपने अपलाइन से हर महीने काउंसलिंग के लिए बैठिए और अपना नॉलेज मोदी के, के प्रोडक्ट के लिए हर महीने एक या दो प्रोडक्ट के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाइए ठीक है और बिजनेस वैल्यूज है इसके बारे में आगे बात करेंगे मुझे भी दो मिनट बात करनी है अब बताइए मेरे को दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बताया लास्ट के पांच मिनट अब बताओ आप में से कितने लोग श्रीलंका प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करना चाहोगे ठीक है बताओ चैट में बताओ कितने लोग श्रीलंका प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करना चाहोगे देख रहा हूँ मैं नाम देख रहा हूँ एक प्रिया शर्मा रोहित तपन कुमार दास पूनम ठाकुर उजाला शिखा मित्रा प्रेम साहू, नमिता गर्राई पुष्पा प्रधानी बैनर्जी रिंटू मित्रा मित्र तो बड़ा फास्ट फास्ट नाम आ रहा है देखो अगर आप करना चाहोगे ना अगर अभी जो मैंने आपको बताया ना फाइव स्टेप्स और नाइन कोर एक्शन कसम से बोल रहा हूँ उसको ठीक से कर लो छह महीने के लिए बाकी बहाने हटा दो एक बार बाकी लोग घर वालों को बोल दो यार प्लीज मेरे को छह महीना शांति से काम करने दो अगर आप हमारी बात मान के चलते हो हमारी सारी मीटिंग प्रोग्राम में आते हो अगर जूम में भी आते हो और वीकली मीटिंग में भी आते हो अगर आप थोड़ा इंडिपेंडेंट होने के लिए काम करते हो अगर आप वादा करते हो कि आप लोग ना बोले साला ना बोले आई डोंट घबराओ आपको अल्टीमेटली तो देखो करते करते करना पड़ेगा है ना कर खेलते खेलते ही सीखना पड़ेगा ठीक है तो यही बोलूंगा कि आज से फैसला कर लो कि डेली दो लोग से मिलेंगे, को रिपोर्ट करेंगे, दो और वीकली मीटिंग में जाएंगे। नंबर उसी के साथ काम करेंगे जो मेरी तरह मेरा बात मानने को तैयार है वरना दूसरे को ढूंढ लो क्योंकि अगर आप डेड हॉर्स के साथ काम करोगे तो आप भी डेड हो जाओगे अगर आप बोलते ना अगर आप लेजी लोगों के साथ काम करोगे तो आपका परफॉर्मेंस भी आ जाएगा गलती किसकी है जो लेजी है उसकी गलती नहीं है गलती आपकी है वाई यू आर चेजिंग के साथ काम मत करो जिनके पास सपने नहीं है उनके उन, उन, उनके साथ टाइम वेस्ट मत करो सबसे मिलो उसमें से तो छांटो कौन सपने वाला है हु इज अ ड्रीमर हु इज रेडी टू वर्क टूगेदर किसके अंदर क्षमता है इट इज वेरी इजी टू वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट योर पार्टनर्स अगर आप पार्टनर सिलेक्ट नहीं करोगे लोग क्या करते हैं मेहनत तो करते हैं लेकिन गलत लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं उनका परफॉर्मेंस मार खा जाता है right think आज के लिए काफी बात कर ली मैंने अगले पांच मिनट आपके हैं आपके सवाल और मेरे जवाब अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं आराम से पांच मिनट आराम से बैठा रहूंगा थोड़ा हवा खाऊंगा और आपके सवाल है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ओपन चैलेंज मुझसे पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क बनाने पूछिए मैं आपको उसका जवाब देता हूँ किसको पूछना है बताओ किसको अपना नेटवर्क ग्रो करने में चैलेंज आ रहा है और क्या चैलेंज आ रहा है बताओ मेरे को पूछो मुझसे ओपनली आपको दे आपके सवाल का जवाब को तैयार हूं पूछो 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 अबे डर क्यों रहे भाई लोग मैं आपको थोड़ी आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा अनिल जी किसी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरा कोई गलती नहीं है भाई मैंने आपको मौका दिया पूछने का आपने पूछा नहीं मेरी कोई गलती नहीं है दोस्तों तो आइए ये श्रीलंका का जो तूफान है इसको अपने टीम में एकदम बहा दीजिए श्रीलंका के बहाने ही चलिए नेटवर्क बना डालिए श्रीलंका के बहाने ही हाँ आप ये अभी पूछ रहे ओपन कैसे करें अरे मैडम मैंने अभी ओपन करने का तो एग्जांपल दिया मैंने कैसे ओपन किया लोगों को हाँ, अंजू दत्ता का क्वेश्चन है अंजू दत्ता अच्छा अंजू जी बोलिए आपका आवाज खोल दिया मैंने अंजू दत्ता आजादी खोल दिया मैंने आवाज अंजू दत्ता जी हाँ सर गुड मॉर्निंग केयर आजादी मॉर्निंग बोलिए सर जैसे मैं सबसे बात करती हूँ तो सबसे पहला तो सवाल उनका यही होता कि उसमें मेरा फायदा है <laughs> ये मेरे को सवाल हाँ। पूछ रहा था ये हाँ। क्या होता है ना अच्छा उसको मन में आता कि आपका फायदा है ठीक है ना आ, बस यही सब बात करते अंजु जी मैं जिससे बात किया उसमें हम जिस बिजनेस में हैं उसमें मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा लेकिन मेरा फायदा तभी होगा जब मैं तेरा फायदा करूंगा वरना नहीं होगा इसीलिए बिजनेस को समझना जरूरी है इस बिजनेस में अगर मैंने आपको इस बिजनेस में जोड़ा और और तेरा इनकम नहीं हुआ तेरा फायदा नहीं हुआ तो मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है लेकिन अगर तेरा फायदा हुआ तो मेरा फायदा भी होगा बिजनेस आदमी करता, हो। करता है बताओ अच्छा मेरा फायदा हो और मैं तेरा फायदा भी करा दू उसमें कर, सही की गलत है बताओ तो बताओ बताओ अंजू दत्ता बोला सही तो बोला ही सही सोच रखी तो फायदा तो गई तो डरते क्यों फायदा तो हो गई अच्छा आप लोग काम करोगे तो भी मेरा फायदा होगा लेकिन मेरा फायदा आप लोग की जिताने में है कि मेरी टीम और स्ट्रांग बनेगी जब आप स्ट्रांग बनेंगे तो आप मेरी टीम के अगर हिस्सा है तो मेरी टीम और स्ट्रांग बन जाएगी जल्दी से गिरेगी नहीं आप गिर जाएंगे तो मेरी टीम भी गिर जाएगी जी, आपके जीत में ही मेरी जीत है धंधे का असूल ठीक है थैंक यू हो गया अगला किसका सवाल है मैं जरा देखो तो रोहित चौधरी क्या पूछ रहे हैं सर हमारे एरिया के लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अच्छा एरिया वाइज इंटरेस्ट नहीं होता लोग वाइज इंटरेस्ट होता है समझे हर एरिया में अमीर लोग हैं हर एरिया में गरीब लोग हैं हर एरिया में बूढ़े हर एरिया में यंग है एरिया से नहीं होता आप ये बोलिए सर मुझे उनको कराना नहीं आता मुझे लोग से दोस्ती करनी नहीं आती मुझे लोग को बात करना नहीं आता मुझे लोग को प्रभावित करना नहीं आता प्रॉब्लम यू नॉट लोग अपने आप को बेटर हर मीटिंग में आइए किताबें पढ़िए जो बता रहा हूं नाइन कोर एक्शन अपने को अपग्रेड करिए अच्छे लोग का स्पीच सुनिए भरा पड़ा स्पीच यूट्यूब वीडियोज में अपने को काबिल बनाइए तभी लोग आपके सुनेंगे लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है वो आप कोई भी एरिया में चले जाइए आप मेरे एरिया में आ जाइए तो भी वो अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है एरिया से नहीं होता आपसे होता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बनिए कॉन्फिडेंस जगाइए अपने अंदर और बात करने का लहजा सीखिए मीटिंग में हर मीटिंग में आइए प्रैक्टिस करिए तैयार हो जाएंगे देखो यार मुझे तैयार होने में बहुत दिल लगा मैं आ जाता अच्छा अच्छा बात कर रहा हूं ना पहले नहीं करना आता था आज मेरा कॉन्फिडेंस हाई है पहले नहीं था करते करते धक्का खाते खाते लगे रहे लगे रहो लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई करते करते भाई मुन्ना भाई से हम संजय भाई हो गए <laughs> है ना दोस्तों अगर आपने लग गए ना तो आपकी किस्मत की लग जाएगी अच्छे से कोई चिंता नहीं है मोदी केयर इज अ गारंटेड सक्सेस बिजनेस गारंटेड शिखा मित्रा का क्या क्वेश्चन है शिखा मित्रा আমি দু মাসের মধ্যে মিনিমাম পঞ্চান্ন জনকে জয়েন করিয়েছি ডাইরেক্টর কোয়ালিফাই করে ফেলেছি দু মাসের মধ্যে তার মধ্যে থেকে একজন পার্লারের কাজ মানে পার্লারের মেকআপ আর কি তার ডিমান্ড হচ্ছে যে এখানে টাকার পরিমাণটা খুবই কম हाँ पूरा तो बता हाँ. तो कहानी बताना पड़ेगा उसको हनुमान मिला सुग्री मिला उन्होंने पुल बनाया श्रीलंका से गए फिर पूजा करी फिर भगवान शिव की पूजा करी फिर ये किया फिर भी बुलाया पूरा, आपको मैं पूरे रामायण तक बता ही सकता देखिए मैडम प्रॉब्लम क्या है ना इसका आंसर ये है कि जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे इन हाउ टू अप्रोच पीपल हाउ टू हैंडल पीपल हाउ टू हैंडल न्यू पीपल ठीक है ना आपको खुद ही नहीं पता कितना है बिजनेस में वो बोला इसमें पैसा बहुत कम है आपने मान लिया आपको पास जवाब ही नहीं है आप बोले बट आपने उन्हें कन्विंस कर ही नहीं আপনার ওদের ল্যাক অফ কনফিডেন্স চিলে সি আলটিমেটলি এই দেখুন আমি আপনাকে ব্লেম দেই কররা সিখা ম্যাডাম हमको अपने आप को तैयार करने में टाइम लगता है नीचे के रेडी करते टाइम লাগবে আপনারা কেন বেশি করে মিটিং ট্রেনিং अटेंड করতে হবে বেশি বেশি মিটিং এ যেতে হবে জুমে প্রচুর মিটিং হয় আমার ছাড়া আরো মিটিং হয় একটু দেখুন ইউটিউব লাইভে অনেক মিটিং করেছে লিডাররা ওটাকে 10 বার শুনুন ওটাকে শুনে শুনে প্র্যাকটিস করুন তাহলে আপনার মধ্যে ও স্কিল চলে আসবে अपने लोग के ना बेटर वे हैंडल करते अलग था के ना एक जवाब नहीं होता सामने वाला जैसा बात करता है ना मैं हमेशा तो बोलता हूँ सामने वाला जैसा बॉलिंग करता है वैसा बैटिंग करना पड़ता है गुगली बॉल पे गुल गुगली मारना पड़ता है बाउंसर पर बाउंसर की तरह मारना पड़ता है फ्रंट फुट बैक फुट खेलना पड़ता है तो एक जवाब नहीं है आप मेरे सामने की जो बिठाइए मैं आपको हैंडल कर दूंगा चलिए आप जिसका नाम कर रहे हैं उसको बिठाइए अगले थर्सडे को मेरे सामने सलून वाले को बिठाइए ला ला लाइए ला उनको बोले तुम जानते चाहो ना को टागिकॉम बिठाओ मेरे सामने उसका जवाब मैं देता हूँ तो दोस्तों अगले थर्सडे को बजे के पहले आइए और हर कोई एक दो लोग को मेरे को मेरे को प्रेजेंट करो जिसके ताकि मैं आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊं अलग अलग तरह के लोग सब लोग एक दो लोग का मुझे नाम भेजो उसका बैकग्राउंड भेजो और हम उसको हम लोग उसको अप्रोच कर, हम लोग उसको कैसे ओपन करेंगे और कैसे उसको कन्विंस करेंगे आप देखो मैं करता हूं डन अगले 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 थर्सडे का वादा रहा पक्का यस सर यस सर तो आजा टाइम पे आ जाना और नाम भी भेज देना ठीक है तो दोस्तों श्रीलंका पे बिल्कुल कमी मत करना डेली लग जाओ हार्ड वर्क करो फील्ड में काम करो लोग से मिलके बात करो टीम में डाउनलाइन को पकड़ो डाउनलाइन से भी मिलके बात करो क्योंकि वो बैठ गया है जाओ उसके घर में जगाओ बोलो मेरे को चाय पिला उसको जगाओ उसको भगाओ उसका हाथ गोड़े उसके साथ भागो रोज भागना है आपको फील्ड में रोज तीन चार पांच लोगों से मिलो और वीकली मीटिंग में लोग को लेके जाओ दो काम करो खाली देखो कैसे आपका बिजनेस का पूरा स्केल चेंज हो जाता है और कैसे आप जल्दी जल्दी एक मिले न बन जाओगे ठीक है तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरह काम करें दस का दम चल रहा है सबका बिलिंग कराइए दस के दम में देखिए किस में है दम दस का दम कराइए so so अगले 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 सैटरडे को शानदार मीटिंग होने वाली है हिंदी में पाए पुनम बिंदल जी मत मिस करिएगा और तो कल फ्राइडे को भी बहुत शानदार बांग्ला में होगा लेकिन जो होगा बहुत जबरदस्त लीडर करेगा हमारी मीटिंग जबरदस्त होने वाले सारे विश यू ऑल द वेरी बेस्ट